केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मीडिया के सदस्यों ने अपना सहयोग दिया है। हमीरपुर प्रेस क्लब के द्वारा एकत्रित किए गए कपड़ों और राहत सामग्री को केरल बाढ़ पीड़ितों को जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा गया। प्रेस रूम में आयोजित कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रेस क्लब हमीरपुर के सदस्य दिनेश कंवर के अलावा बाकी कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने भी मीडिया के द्वारा इस तरह केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए किए गए कार्यों को लेकर बधाई दी। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि केरल में आई प्राकृतिक आपदा के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए और मीडिया के द्वारा किए गए सहयोग बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब हमीरपुर ने अपने प्रयासों से बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई देता हूँ हमीरपुर प्रेस क्लब के जितने भी सदस्य हैं। हाल ही में केरला में जो नेचुरल क्लाइमिटी आई, बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ वहाँ पर, लगभग पूरी केरला स्टेट ही ख़त्म हो गई। इसके लिए जो हमीरपुर के हमारे जितने भी प्रेस क्लब के सदस्य हैं, उन्होंने लगातार प्रयास करते हुए अपनी तरफ से दूसरी खेप, जिसमें लगभग 10,000 के करीब तो कपड़े हैं, इसके अलावा शूज़ हैं और भी कितना मटेरियल है, और इससे भी बड़ी खेप इन्होंने पहले भी केरला के लिए भेजी है। बहुत ही नोबल कॉज है ये, और जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ लोगों के पास न घर बचा है, न ज़मीन बची है, न घर का सामान बचा है, न इवन पहनने के लिए कपड़े बचे हैं, तो उनको ये रिलीफ जो वहाँ पहुँचेगी, डेफिनेटली इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं एक बार फिर धन्यवाद करूंगा सभी प्रेस के सदस्यों का कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया और इसको अंजाम तक पहुंचाया। इसके लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा ये सभी बधाई के पात्र हैं। दिनेश कंवर ने प्रेस क्लब की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब हमीरपुर समय समय पर समाज सेवा के कार्यों में सहयोग करता रहता है, जिसमें सभी सदस्यों का सहयोग मिलता है, वहां तक पहुंचाता है। तो उस कड़ी में जब हमें ये सुनिश्चित हो गया कि हमें इसको भेजने के लिए खर्चा नहीं करना है, तब हमने ये काम शुरू किया। इसमें जिला के शहर के आसपास के स्कूलों में, जितने शहर में स्कूल हैं, उन सब में हमने ये मैसेज कन्वे किया कि बच्चे अपने अपने घरों से अगर एक एक दो दो कपड़े भी लेकर आएंगे तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन खुशी की बात ये हुई कि जिन जिन स्कूलों को हमने अप्रोच किया, वहाँ से बहुत ज़्यादा सामान हमारे पास पहुँचने लगा। पहली खेप भेजने के बाद हमारे पास और खेप आने की संभावना जैसे बनी, तो हमने उनको भी कहा कि हम ले आए हैं तो हम उसको भी ज़रूर भेजेंगे। तो इस तरीके से करीब हमने 10-15 हज़ार कपड़ों की जो खेप है, एक बार भेजने के बाद ये दूसरी तैयार कर ली। और इसके बाद हमारा ये प्रयास होगा कि हम हमारे अपने हिमाचल में भी जो त्रासदियाँ हो रही हैं आए दिन, उसके लिए भी कुछ वित्तीय सहायता एकत्रित करें और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए भेजें। तो ये इस कार्यक्रम का सारा खाका इस तरह से है सर। बाकी प्रेस क्लब हमीरपुर आए दिन कोई ना कोई गतिविधि करता रहता है। पीछे हमने प्रेस क्लब के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया, फिर हमने सफाई अभियान में बहुत काम किया है, फिर उसके बाद हमने हाल ही में पौधारोपण का कार्यक्रम किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से। तो इन गतिविधियों को करते हुए हम चाहते हैं कि समाज में किस तरह से थोड़ा सहयोग अपना दिया जाए। वहीं प्रेस क्लब सदस्य विशाल ने बताया कि केरल में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रेस क्लब हमीरपुर ने राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर के स्कूलों स्थानीय लोगों से राहत सामग्री इकट्ठी की और केरल के लोगों की मदद की गई। उन्होंने बताया कि प्रेस क्लब समय समय पर समाज सेवा के कार्य करता रहता है। केरला में जो बाढ़ आई थी, उसमें प्रेस क्लब के कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव आया कि हमें केरला के भाइयों के लिए जो वहाँ पे त्रासदी आई है, उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो प्रेस क्लब हमीरपुर ने एक इनिशिएटिव लिया और पूरे के हमीरपुर के स्कूलों से स्थानीय लोगों से राहत सामग्री इकट्ठी की, जिसमें हमने स्कूलों से कपड़े लिए, जूते और कई धनराशि भी हमने एकत्रित की।
हमारा प्रेस क्लब का उद्देश्य ये रहता है कि हम केरला के अपने लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि विपत्ति की इस घड़ी में आज पूरा हिमाचल उनके साथ है, प्रेस क्लब हमीरपुर उनके साथ है, और वो भारत का एक हिस्सा होने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और इसलिए हम अपने भाइयों की मदद के लिए हमने ये कार्य किया है। प्रेस क्लब हमीरपुर पहले भी समाज के लिए कई ऐसे कार्यक्रम करता रहा है, जैसे अब ब्लड डोनेशन कैंप रहा हो या प्लांटेशन के कार्यक्रम हो या कई सामाजिक कार्य जो है प्रेस क्लब हमीरपुर समाज के लिए करता रहता है।